हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एकदम चटपटी, एकदम मसालेदार, एकदम खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी। ये जो कद्दू है वो पीला वाला कद्दू है, जो पका हुआ कद्दू होता है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने कद्दू ले लिया है। कद्दू को हमने अच्छे से छील लिया है, उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। और यहाँ पर हमने एक टमाटर और दो हरी मिर्च ले लिए, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ पर हमने सरसों के ऑयल का यूज़ कर रखा है। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम इसमें एक चम्मच मेथी दाना डालेंगे, साबुत मेथी। और एक चम्मच हम सौंफ डालेंगे, सौंफ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। और यहाँ पर थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे, दो चुटकी। अगर आपकी हींग तेज़ लगती है तो थोड़ा सा कम डालिए। उसके बाद जब ये अच्छे से चटक जाए, तब हम इसमें जो हमने टमाटर और मिर्च की प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे हमने अच्छे से पकाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे चलाते रहना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएँ। ये देखिए, और जब हमारे टमाटर अच्छे से पक जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हम आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जो नमक है नमक हम बाद में डालेंगे, नमक का यूज़ हम अभी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम दो चम्मच पानी डाल देंगे। पानी का यूज़ हमने कम से कम करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना हमने पानी का, क्योंकि जो हम कद्दू बनाएंगे एकदम ड्राई बनाएंगे और एकदम खट्टा मीठा टेस्टी सा। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे हाथ में रब करके। ये देखिए, कसूरी मेथी का जो टेस्ट है वो मीठे वाले कद्दू में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको भी आपने इस तरीके से हिला लेना है थोड़ी देर, एक दो मिनट आप इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, जो हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। उसके बाद हम इसमें जो हमने कद्दू काटा हुआ था वो कद्दू हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो कद्दूओं में सब जगहों से अच्छे से लग जाएं। देखिए, उसके बाद हमने इसमें ढक्कन रख देना है कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम फिर देखेंगे। तो ये देखिए, इसे 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इसे बीच में देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मसाले हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, कद्दू में लगते नहीं हैं और मसाले जलने का डर रहता है, इसलिए हमने इसे बीच बीच में चेक करते रहना है और इसे इस तरीके से हिलाते रहना है। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एक चम्मच, और इसे एक बार इस तरीके से हिला लेंगे अच्छे से। और उसके बाद हमने इसे फिर से 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे 10 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए, जो कद्दू हमारा वो भी अच्छे से पक चुका है। मैं भी आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छे से पक चुका है कद्दू। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे खट्टे के लिए, और मीठे के लिए हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी चीनी। आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर चीनी का यूज़ कर रखा है। ये देखिए, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि अगर चीनी ज़्यादा हो गई तो उसे नमक बैलेंस कर लेगा। और इसे इस तरीके से आपने मिक्स करते रहना है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। 2-3 मिनट तक आप ऐसे हिलाते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, तो आइए इसे हम अब सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सर्व कर लिया है। इसे आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगी आपको। एज ए चटनी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लगी रेसिपी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।